हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ नाचोस की रेसिपी। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और उसमें डालेंगे हम 2 कटोरी पानी। तो यहाँ पे आप साइज़ देख सकते हैं मैंने कौन से साइज़ की कटोरी ली है। और उसके बाद हम फ्लेम को ऑन कर देंगे और इस पानी को हम गर्म होने देंगे। तो जब तक हमारा ये पानी गर्म होगा, हम यहाँ पर लेंगे 1 कटोरी और उसमें डालेंगे 6 लहसुन की कलियाँ और 1 मीडियम साइज़ प्याज का, मैंने आधा प्याज यहाँ पे लिया है, ये भी डालूँगी। और इसी के साथ मैं इसमें डालूँगी 1 चम्मच जीरा। उसके बाद मैं इसमें थोड़ा सा पानी डाल के ग्राइंडर जार में इसका भी पेस्ट बना लूँगी। तो मैंने पेस्ट बना लिया है और ये पानी भी देखिए गर्म हो चुका है। और अब मैं जो पेस्ट मैंने बनाया है वो इसमें डाल दूँगी। पेस्ट को डालने के बाद मैं इसको मिक्स करूँगी। इसको मिक्स करके हम इसमें डाल देंगे नमक। तो स्वाद के अनुसार नमक मैं डाल रही हूँ। और अब हम इसे अच्छे से पकने देंगे। तो देखिए ये पकना शुरू हो गया है। फ्लेम को अब हमें एकदम लो कर देना है, या आप चाहें तो फ्लेम को बंद भी कर सकते हैं। और अब मैंने देखी जिस कटोरी से पानी डाला था उसी कटोरी से मैंने यहाँ पे लिया है पूरा भरकर 1 कटोरी चावल का आटा। चावल का आटा सभी के घर में अवेलेबल होता है, जिसके पास नहीं अवेलेबल होता है वो घर पे बहुत ही इजीली इसको बना सकता है, क्योंकि चावल तो सभी के घर में रहता है। तो अब थोड़ा थोड़ा आटा मैं डालूँगी और इसको मिक्स करती जाऊँगी। एक ही साथ में सारा आटा नहीं डालना है, थोड़ा ही थोड़ा डाल के हम इसे मिक्स करेंगे। तो देखिए मैंने पूरा आटा डाल दिया है। यहाँ पे ये जो हम डो बना रहे हैं ये टाइट हो जाए तो चलेगा, लेकिन गीला नहीं होना चाहिए। तो जितना मैंने यहाँ पे पानी लिया था वो बिल्कुल परफेक्ट पानी है, इसे हमें टाइट ही रखना है इसके डो को। तो अब अच्छी तरीके से मैं मिक्स कर लूँगी। तो अभी देखिए मैंने इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसको ढककर 5 मिनट तक लो फ्लेम पे पकाऊंगी। 5 मिनट हो चुके हैं और ये हमारा डो बनके तैयार है। तो अब इसको मैं ठंडा होने दूंगी। इसे कंप्लीट ठंडा नहीं करना है, थोड़ा सा ही ठंडा करेंगे। तो इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा कर लिया है, इतना ठंडा किया है कि इसको मैं टच कर सकूँ। और इस स्टेज पे आप इसमें चेक कर सकते हैं नमक वगैरह, अगर आप स्टार्टिंग में डालना भूल भी जाएं तो इस स्टेज पे आप इसमें नमक डाल सकते हैं। और अब हाथों में मैंने थोड़ा सा तेल लगाया है, इसको मैं मिक्स कर लूँगी। अगर आप जब इसको पकाएं और आपका बैटर गीला हो जाए तो आप इसमें थोड़ा सा चावल का आटा डाल के इसको सख्त कर सकते हैं। तो अभी मैंने देखिए इसको थोड़ा सा गूंदा है, नमक मुझे कम लग रहा था तो मैंने इसमें और नमक थोड़ा सा ऐड किया है। और अब मैं इसमें डालूंगी, इसको और चटपटा बनाने के लिए इसमें कुटी लाल मिर्च। अगर आप चाहें तो कुटी लाल मिर्च ना डालें, इसमें लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं। मैं बिल्कुल थोड़ा से ही इसमें डाल रही हूँ और इसे अच्छे से मिक्स करूँगी। तो मैंने बहुत ही अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है और ये लोई भी मैंने बना के तैयार कर लिया है। अब इसको बेलना है। तो यहाँ पे मैंने मैदा डस्ट किया है, मतलब मैदा छिड़का है, आप चाहें तो तेल भी लगा सकते हैं। अब इसे हम बेल लेंगे। तो अभी देखिए इसको मैंने बेल लिया है और अब मैंने यहाँ पे स्पून लिया है और उससे मैं इस पर होल कर ले रही हूँ ताकि जब मैं इसे फ्राई करूँ तो ये फूले ना। और अब मैं इसे कट करूँगी। इस तरह से स्ट्रिप्स को कट कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए अब मैंने इसको कट कर लिया है और अब मैं एक पीस को अलग करूँगी और आपको दिखाऊँगी कट करके इसे। इसे हमें ट्रायंगल शेप में कट करना है, अगर आप चाहें तो किसी और शेप में भी कट कर सकते हैं। तो देखिए बहुत इजी है इसको कट करना। इस तरह से हम नाइफ को रखेंगे और कट करते जाएंगे।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ, अगर आप एक स्ट्रिप्स को नहीं तो आप दो स्ट्रिप्स को रख के भी इस तरह से कट कर सकते हैं। ये देखिए, इसी तरीके से मैं सारे स्ट्रिप्स को कट कर लूँगी और फिर मैं आपको इसको निकाल के भी दिखाऊंगी। जो डबल डबल करके मैं कट कर रही हूँ, ये चिपकते नहीं हैं, बहुत ही आराम से निकल भी जाते हैं। तो अभी देखिए, मैंने कट कर लिया है और अब मैं आपको निकाल के इसे दिखाती हूँ। ये देखिए, एक साथ आप दो दो नाचोस तैयार कर सकते हैं काट के। तो इसी तरीके से मैंने यहाँ पे सारे पीसेस कट कर लिए हैं और अब इसे फ्राई करना है। तो चलिए इस टेस्टी नाचोस को फटाफट फ्राई कर लेते हैं। तो तेल तो मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था, तेल भी गर्म हो चुका है और फ्लेम को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। मैं मीडियम फ्लेम पर रखूँगी। तो अभी देखिए, मैंने इसको नाचोस को इसमें डाल दिया है। एक बार में बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, इतना ही डालना है कि हम जिसे आराम से पलट सकें। और अब इसे हमें क्रिस्पी होने तक फ्राई करना है। और अब देखिए, मैंने इसको फ्राई कर लिया है, ये गोल्डन हो गया है और क्रिस्पी भी हो गया है। इसी तरीके से हम जितने भी नाचोस को हमने बना के तैयार किया है उन सभी को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने इसको फ्राई भी कर लिया है और ये बिल्कुल क्रिस्पी बन के तैयार हुआ है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।